it is less valid assumption of cardinal approach. But it is less valid assumption of cardinal approach. बात को समझो. इसमें assumption जो है सबसे पहले consumer is rational. वो हमें पता ही है कि consumer rational होना चाहिए, मतलब अपने लिए सही और गलत का चुनाव वो अपने आप कर पाए, अपने आप decide कर पाए. Second है, second point क्या था? लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स में होल्ड करता है. जैसे अगर बर्गर की बात की जाए, पहला बर्गर खाओगे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, पहला बर्गर खाओगे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरा खाओगे तो ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? कम मिलेगी. तीसरा और कम, चौथा जीरो, पांचवा वॉमिट करने लग जाओगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करता है बट सिर्फ गुड्स में. अगर मैं मनी की केस की बात करूँ या प्रीशियस आइटम के केस की बात करूँ, कि अगर मान लीजिए सबको यहाँ पे 20-20 रुपए मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, मिस्टर सर आके बांटने लग जाए, तो सबको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा. 100 रुपए देंगे ज्यादा अच्छा लगेगा या कम अच्छा लगेगा? ज्यादा अच्छा लगेगा. क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड किया? नहीं. तो इसीलिए हम लोग फिलहाल इसको मान के चल लेते हैं कि इट इज कॉन्स्टेंट. यही चीज मैंने आपको अगले पॉइंट में लिखवाई है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसमें होल्ड नहीं करता है मनी के केस में, और उसको कॉन्स्टेंट माना जाता है. बट आप देख सकते हो मैंने बाद में आपको लिखवाया है कि इट इज लेस वैलिड अजम्पशन. दिख रही है वाली चीज? अब ये लेस वैलिड अजम्पशन क्यों है भाई? लेस वैलिड अजम्पशन इसलिए है कि क्या मनी से हमारी संतुष्टि बराबर रहेगी? नहीं ना, बढ़नी नहीं चाहिए. 20 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी तो कायदे से बढ़नी चाहिए ना. बट जो है एल्फ्रेड मार्शल ने इसको कॉन्स्टेंट लेकर जो चल रहा है, इसीलिए इसकी है लेस वैलिड अजम्पशन. ये कम वैलिड है ये अजम्पशन, क्योंकि ये रियल लाइफ में इतनी वैलिड नहीं है. रियल लाइफ में मार्जिनल यूटिलिटी मनी से